बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5, ये अलजेब्रिक फार्मूला जो चैप्टर 4 से रिलेटेड है, उनकी वेरिफिकेशन या प्रूफ के बारे में हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सपोज एक फार्मूला कुछ ले लेते हैं हम, ये फार्मूला जी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ले सकते हैं। अगर माइनस का लेना है तो माइनस का ले लें, अगर माइनस का करेंगे a प्लस बी की जगह a माइनस बी और प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab आ जाएगा। तो माइनस स्टार्ट कर लेते हैं कि वो कैसे इसको वेरिफिकेशन होगी। अभी देखिए ये फार्मूला है, हमें कैसे पता चलेगा ये फार्मूला इसके इक्वल आता है। हम इसका प्रूफ देखिए ऐसे होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी के ऊपर पावर 2 है, इसे 2 टाइम लिख लेते हैं हम, a माइनस बी, a माइनस बी। अब दो ब्रैकेटों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a लिखता हूं मैं और a माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर माइनस बी की बारी है a माइनस बी से, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को b से माइनस ए बी, और माइनस बी को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे हम अरेंज करके a पहले लिख लेते हैं माइनस ए बी, ए बी लिखने या बी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर माइनस से अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस बी को बी से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने वैसे लिखा, माइनस ए बी माइनस ए बी, जिसके पीछे कोई रकुना लिखी हो तो वहां लिखा होता है, यहाँ माइनस वन है और यहाँ पे माइनस वन है, तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए आप a माइनस बी होल स्क्वायर, इस पे जब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली इसे 2 टाइम लिखा आपस में मल्टीप्लाई किया तो देखिए आंसर हमारे पास जो आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए वही लिखा हुआ। इस तरह अगर बोर्ड के पेपर में स्पोज आ भी जाता है कि ये प्रूफ करें ये माइनस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल है, तो आप बोर्ड के पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप ऐसे प्रूफ करेंगे, आप इसे गौर से देख लें। एक और फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखने के लिए मैंने आपसे कहा था कि ऐसे याद रखना है कि जब पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब हो तो पहली प्लस दूसरी ब्रैकेट में पहली का स्क्वायर माइनस पहली दूसरी प्लस दूसरी का स्क्वायर, जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस आता है, एक माइनस का भी होता है वहां पर सारी ये वाली प्लस हो जाती है। अब इसकी वेरिफिकेशन या इसका प्रूफ कैसे होगा, अब इसमें हम राइट हैंड साइड इलेक्ट करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दो ब्रैकेटों के बीच में कुछ सिंबल, इसे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले ए और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए को इन सबसे मल्टीप्लाई किया और प्लस बी की बारी है, प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करने लगे ए की पावर 2 ए की पावर 1, जब बेस सेम हो एक्सपोनेंट कंबाइन यानी ऐड कर देते हैं 1 और 2 3, ए की पावर 3 माइनस ए की 1 ए की 1 ए की पावर 2 बी वैसे आ जाएगा, और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट हैं तो वैसे लिख दिया, प्लस बी ए स्क्वायर बनता है, अरेंज करके लिखेंगे ए स्क्वायर बी, ये पहले बी बाद में ए स्क्वायर बी माइनस ए लिखा पहले बी, बी सेम है ना 1 और 1 2 बी स्क्वायर प्लस
बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, टू और पावर वन सी बी क्यूब ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी सेम है, माइनस वन प्लस वन जीरो होता है, तो ये इसे कैंसिल कर देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस के लगे में माइनस ए बी स्क्वायर, एक प्लस के एक माइनस की सेम है कैंसिल, इसे प्लस को रह गया हमारे पास बी क्यूब। ये देखिए फार्मूले का प्रूफ हमने राइट साइड पे लिया और देखिए लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है, इस तरह ये वेरिफिकेशन होती है फार्मूले की, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पता चले ये फार्मूले बने कैसे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो आगे भी यूज भी हो रहा है 4.2 में, तो उसकी मैं वेरिफिकेशन करवाने लगूँ, पहले इसको आप और देख लें। ये दो फार्मूले हैं, इसकी वेरिफिकेशन हम करने लगे हैं। फार्मूला है 4ab is equal to a plus b whole square minus a minus b whole square, और दूसरा फार्मूला है 2 into a square plus b square is equal to a plus b whole square plus a minus b whole square। तो सबसे पहले ये देखें, इसको हम फार्मूले को लेते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। राइट साइड हमने लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वो फॉर्मूले हैं जो पहले आपने इतनी दफा जो हमने जितने क्वेश्चन किए हमें बार बार यूज हुए हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला किसकी कुल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी चाहे दरमियान में लिख लें एंड में लिख लें एक ही बात है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दोनों फॉर्मूले मैंने ओपन किए। अब ब्रैकेट को ओपन करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद माइनस हो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, टू ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम है कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, टू ए बी ये वाला प्लस टू ए बी ये वाला, अब इनको प्लस करें टू टू फोर फोर ए बी। अभी देखिएगा राइट साइड को हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड से लिया, हमने सोल्व किया, इसका आंसर 4ab आया, तो देखिए ये 4ab की इक्वल होता है, ये फार्मूले का प्रूफ हो गया। अब ये इसी से रिलेटेड ये फार्मूला देखें, लेकिन इसके बीच में देखिए माइनस है, अगर माइनस ही देगा प्लस डाल दें, ये देखिए मैंने प्लस ले लिया, एक नया फार्मूला बन चुका है। इसकी वेरिफिकेशन कैसे भी, इसमें भी देखें आप, इसकी भी राइट साइड आप ले लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस, अब यहां पे क्योंकि माइनस की इसलिए मुझे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगी, सेम रंगों को मैं अरेंज इकट्ठा कर लेता हूं, ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, जबरन में जब प्लस करते हैं तो हमेशा कोएफिशिएंट को प्लस करते हैं, यहां कोएफिशिएंट 1 है यहां 1 है 2 आ जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर वैसे लिख दें 1 और 1 2 बी स्क्वायर वैसे 2 कॉमन ले लेते हैं, हम इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बाहर आ जाएगा, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखें अब आप दोनों फार्मूले बहुत से देख लें।